हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं एसके रीड्स। तो चलिए सब्सक्राइब करिए एसके रीड्स चैनल को और इस बेल का आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूं ठीक हो। तो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं एसके रीड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, मतलब आप लोगों को दिखाई देता हूँ एक बार यूट्यूब में जाकर। तो यहाँ पर सर्च करना होगा एसके एडिट्स और यहाँ पर सेकंड में देख सकते हो ये मेरा चैनल है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग और इसमें जाकर मतलब विजिट कर कर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर कर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्नैपसीड बेस्ट न्यू 3 ट्रिक्स। तो ये था फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट। तो इसी का मैं आज सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूँ। तो आप सब लोग ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर और जो क्या बोलते हैं टाइटल पर, तो आप सब लोग को पता ही चल गया कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये जो वीडियो है यहाँ पर, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं जो एडिटिंग करने वाला हूँ, तो आज मैं एडिटिंग करूँगा, मैं दिखा देता हूँ कौन सा पिक को मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो ये वाला जो पिक है मैं आज चूज़ किया हूँ, ये मेरा एक फ्रेंड है, तो इसका पिक मैं आज ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोगों को आज फिर से एकदम बेस्ट यानी कि बेस्ट तरीका दिखाऊंगा, 3 तरीके दिखाऊंगा आज एडिंग करने का पिक, मतलब रिटच कैसे करते हैं पिक को। सिर्फ 10 मिनट लगा, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए, दिखा रहा हूँ इसलिए 10 मिनट लगा, नहीं तो जिसको पता है उसको तो करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा करने में। तो अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए टाइम लग जाएगा थोड़ा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पिक को इंपोर्ट कर लेते हैं स्नैपसीड के अंदर। तो मैं ले चलता हूँ इस पिक को स्नैपसीड में, और स्नैपसीड में ले जाने के बाद आप लोग सब लोग देख सकते हो मैं स्नैपसीड के अंदर आ गया हूँ। और स्नैपसीड में आने के बाद आप लोगों को क्लिक करना होगा, जैसे कि आप लोगों सब लोगों को पता ही है जो लोग यूज़ करते हो स्नैपसीड, तो आप लोगों को आना है इस वाले टूल्स पर, पेन वाले टूल पर। तो पेन वाले टूल पर क्लिक करते हैं और फास्ट में जो करूँगा, मतलब जो फास्ट जो ट्रिक है वो ट्यून इमेज, ये तो सबको पता है ये ट्यून इमेज जो लोग यूज़ करते हो स्नैपसीड सब लोग को पता है, लेकिन आज इसके बारे में मैं एकदम डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है। तो क्लिक कर लेते हैं ट्यून इमेज में, और ट्यून इमेज में आने के बाद अगर आप लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 नया नया इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। इफ़ेक्ट्स मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो जो फास्ट वाले में है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट, सैचुरेशन, एम्बिएशन, हाईलाइट, बहुत सारा है, शैडो है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा है। तो कौन से वाले ऑप्शन को किस तरह यूज़ करना है मैं आज बताऊँगा। तो फास्ट जो है ब्राइटनेस, ठीक है, तो ब्राइटनेस को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिक पर ब्राइटनेस पहले से ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और भी ब्राइटनेस डालना चाहूँगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैं ब्राइटनेस फुल कर रहा हूँ तो कैसा दिख रहा है, एकदम डाउन कर रहा हूँ तो कैसा दिख रहा है। तो मैं ब्राइटनेस यहाँ पर 15 या 20 रख देता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब 20 कर देता हूँ। फिर से स्क्रॉल डाउन करके सेचुरेशन में आते हैं और सेचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब 60 रखता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सेचुरेशन को जब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो फेस का कलर भी चेंज हो रहा है और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर फेस के ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ बैकग्राउंड देखो, ठीक है, फेस जो हो रहा है होने दो। उसके मैं फेस का भी फेस को कैसे पहले जैसे कर सकते हो वो भी मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। तो उसके बाद एमएसएन में चला जाते हैं, यहाँ पर एम एस में आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेना है अपने पिक के मुताबिक से। तो मैं यहाँ पर 20 ही रख देता हूँ। उसके बाद आता है हाईलाइट, तो हाईलाइट आप लोगों को पिक में देखना है हाईलाइट कितना है, और आप लोग डालना चाहते हो हाईलाइट पिक पर तो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब 10 कर देता हूँ। उसके बाद आता है शैडोज़, मतलब यहाँ पर आप लोग जब इंक्रीज़ करोगे शैडो को तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैसा लग रहा है पिक। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। तो यहाँ पर शैडो जब डिक्रीज़ करोगे तो कुछ इस टाइप का लगने लगा, मतलब डार्कनेस आ जाएगा।
और शेडोज़ के जब इंक्रीज़ करोगे तो लाइटनेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, मतलब 15 कर देता हूँ। और जो लास्ट वाले ऑप्शन में आता है वो वाला ऑप्शन में मैं बता देता हूँ क्या है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है तो उसको इंक्रीज़ करोगे तो जैसा कि लगेगा कि ये पिक धूप में, मतलब बहुत ही धूप में क्लिक किया हो, कुछ इस टाइप का लगेगा। और जब डिक्रीज़ करोगे तो लगेगा कि ये बहुत ही कूल पिक है, मतलब ठंडे मौसम में क्लिक किया गया है, कुछ इस टाइप का लगेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मैं तो पिक तो कूल लग रहा है, बंदा भी एकदम सॉलिड है क्यूटनेस है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर उसको डिक्रीज़ ही कर देता हूँ, मतलब 10 कर देता हूँ यहाँ पर। तो करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं डन, इस वाले ऑप्शन से कर लेते हैं डन। तो डन करने के बाद मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर फेस का कलर भी चेंज हो गया, देख सकते हो आप लोग कि पहले कैसा था अब कैसा दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लेकिन फेस का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो फेस का कलर आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो, तो फेस का कलर यहाँ पर फिक्स करने के लिए आप लोगों को जाना होगा इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये जो छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाना होगा। तो इस वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देख रहे हो व्यू एडिट बोलकर एक यहाँ पर ऑप्शन है, इस व्यू एडिट वाले ऑप्शन में जाना होगा आप लोगों को। और आने के बाद यहाँ पर ट्यून इमेज आ गया है, इसको भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो देख सकते हो पेन वाला जो टूल्स है इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ये वाले टूल्स में, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पहले जैसा पिक था और मैं जैसे हिट किया वो आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग पिक को, मतलब फेस को फिक्स कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर ट्यून इमेज को यहाँ पर जीरो रखना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जीरो में है, तो इसको जीरो रखना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, फेस के ऊपर ड्रॉ करना होगा, मतलब जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं उस टाइप से ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फेस के ऊपर से ये जो ऑरेंज इफेक्ट है इसको रिमूव करना है, तो रिमूव पहले कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो रिमूव करने के बाद क्या करना होगा, मतलब सेकेंड जो ट्रिक्स है वो भी दिखाता हूँ मैं। तो पहले इसको जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जैसा हमारा फेस था उस टाइप का आ गया है। तो यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को आफ्टर बिफोर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो बिफोर वाला और ये आफ्टर वाला। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं डन। तो डन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो बैकग्राउंड तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पर हेयर भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और शर्ट का कलर भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लेकिन फेस कुछ अलग लग रहा है यहाँ पर देखने में। तो मैं जैसे पहले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो सेकेंड ट्रिक है, तो वो सेकेंड ट्रिक है ये सिलेक्टिव टूल्स पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक सिलेक्टिव बोलकर टूल्स है। तो फेस को फिक्स यहाँ से कर लेंगे हम लोग। तो फेस को फिक्स करने के लिए हम लोगों को जाना होगा सिलेक्टिव वाले टूल में, तो क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग फेस के ऊपर जहाँ भी डार्कनेस दिख रहा है, ज़्यादा डार्कनेस दिख रहा है या ब्राइटनेस कम दिख रहा है, सिर्फ उस जगह पर एक क्लिक करना है, ठीक है। मान लो कि मुझे फेस के ऊपर यहाँ पर थोड़ा डार्कनेस दिख रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या, जैसे आप लोग पिक जूम करते हो वैसे ही जूम आउट एंड जूम इन करके देखते हो ना, वैसे ही आप लोगों को करना है कुछ। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर पिक को और जूम आउट कर रहा हूँ। तो जूम करोगे तो बैकग्राउंड भी थोड़ा ले रहा है यहाँ पर, मतलब सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो रेड वाला हिस्सा बैकग्राउंड में भी आ रहा है। तो मुझे तो सिर्फ फेस को फिक्स करना है यहाँ पर, मतलब फेस को जो यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक। तो फिक्स करने के लिए तो मैं तो यहाँ पर इसको जूम आउट करूँगा और मैं रखना चाहूँगा फेस के ऊपर इसको, तो जितना हो सके मैं फेस के ऊपर इसको रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा आप लोगों को, राइट साइड की तरफ कुछ इस तरीके से आप लोगों को खींचना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं, तो मैं पहले एक बार बता देता हूँ। तो पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है ब्राइटनेस, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद आ रहा है सैचुरेशन, उसके बाद आ रहा है स्ट्रक्चर। तो ब्राइटनेस में क्या होता है, जो डार्कनेस फोटो होता है उसका ब्राइटनेस बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ ब्राइटनेस बढ़ रहा है,
और जैसे डिक्रीज कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस कम रहा है, मतलब फेस में डार्कनेस आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर लूँगा, मतलब 40 रख देता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करके कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मतलब 22 रख लेता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आना है, और सेचुरेशन को यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा जो फेस है यहाँ पर थोड़ा सा और ऑरेंज रह गया है, तो इसको सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे। कम करने के लिए आप लोगों को लेफ़्ट साइड की तरफ खींचना है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं खींच रहा हूँ तो फेस का जो ब्राइटनेस, मतलब जो वो ऑरेंज वाला कलर था, तो यहाँ पर चला जा रहा है, तो ज़्यादा करने से देख रहे हो कैसा दिख रहा है, और एकदम इंक्रीज़ करने से देख रहे हो कैसा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा, थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा मतलब कुछ 20 के बीच में रख लेता हूँ, और जो टेक्सचर है उसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा तो देख रहे हो कैसा हो रहा है, और डिक्रीज़ करूँगा तो कैसा हो रहा है, तो इंक्रीज़ करूँगा तो फेस का जो यहाँ पर डिटेल्स है वो बाहर आ जाएगा, और डिक्रीज़ करूँगा तो एकदम स्मूथली दिखेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि फेस के ऊपर बहुत ही पिंपल्स है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 डिक्रीज़ कर देता हूँ, उसके बाद कर देता हूँ डन। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि फेस भी अच्छा दिख रहा है, और बैकग्राउंड भी, मतलब फेस के साथ बैकग्राउंड अब मैच हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहले कुछ इस टाइप का था और अब इस टाइप का हो गया है। अब जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो पेन वाले टूल में क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन, मतलब इफ़ेक्ट्स तो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन है, स्पॉट लाइट, स्मूथ, येज, तो मुझे तो अच्छा लगता ही है स्मूथ 2 वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ यहाँ पर स्मूथ 2 वाला ऑप्शन, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 2 वाला ऑप्शन ही चूज़ करें। तो यहाँ पर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग पहले किया था राइट के तरफ जो खींच रहा था, तो तब ब्राइटनेस बढ़ रहा था, तो कुछ इस टाइप का भी यहाँ पर है, तो आप अगर राइट साइड की तरफ खींचोगी तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जैसे ही खींच रहा हूँ तो फेस का जो कलर है वो एकदम, मतलब बहुत ही लाइट हो रहा है, और बैकग्राउंड का कलर डार्क हो रहा है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा था पहले और अब ऐसा दिख रहा है, मतलब फेस बहुत ही वाइट दिख रहा है और बैकग्राउंड डार्कनेस दिख रहा है, इसका मैं डिक्रीज़ करके दिखा देता हूँ और इंक्रीज़ करके एक बार दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कैसा लग रहा है, तो एकदम फुल इंक्रीज़ कर दिया तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा सा मतलब 50 रख देता हूँ यहाँ पर, और स्क्रॉल डाउन के नीचे आना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो स्किन स्मूथिंग बोलकर एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हो कि फेस के ऊपर बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पर पिंपल्स है, तो इतना छोटा छोटा पिंपल्स के लिए तो मैं और कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करूँगा, तो स्मूथ वाला ऑप्शन अगर मैं यूज़ कर दिया तो कहीं पर भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर राइट साइड की तरफ खींच के यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर 50 रख देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि फेस का जो पिंपल्स है वो गायब हो रहा है, तो मैं जितना इंक्रीज़ करूँगा उतना ही गायब होगा, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का था, मैं और भी जूम कर लेता हूँ, उसके बाद इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर तो फुल डिक्रीज है, अब इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ आप लोग देख लो, तो यहाँ पर जैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो कि फेस का पिंपल्स, छोटा छोटा पिंपल्स गायब हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैं 55 रख लेता हूँ, और उसके बाद इसको डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हो ई क्लियरिटी, मतलब जो आँखों का जो क्लियरिटी होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का है, तो जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पर देख सकते हो जो आँख है यहाँ पर ईयर्स है, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना क्लियर दिख रहा है, आप लोग देख ही सकते हो, मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ, दिखाता हूँ फिर, यहाँ पर देख सकते हो कैसा दिख रहा है, और इंक्रीज़ करने पर कैसा दिख रहा है, तो पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा वीडियो क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आशा करता हूँ देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर 40 कर देता हूँ, उसके बाद कर देता हूँ डन, तो डन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि पिक कैसा लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो
इसकी पिक कुछ ऐसा है। तो पहले कैसा था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप लोग पिक पहले कुछ ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। तो ओनली 3 ट्रिक से पिक कुछ ऐसा हो रहा है। तो मान लो जो पहले वाला वीडियो था मेरा, तो वो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो वो वाला जो वीडियो था, वो वाला जो 3 ट्रिक था, उसको मिलाकर ये वाला जो 3 ट्रिक्स है, मतलब 3-3 मिला के 6 हो गया है। ये 6 ट्रिक मिला के आप लोग अगर एक पिक ऐड करोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया बन जाएगा पिक। बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा भाई मेरा तू ऐड कर दे एक, मतलब जिसको ऐड आता है उसको तेल मारना नहीं पड़ेगा बार बार। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यार, मेरा वीडियो देखो, यहाँ पर मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, ठीक है, और बहुत ही ईजीली सिखाता हूँ। जो सबसे ईजी तरीका होता है मैं वही बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आओ भाई लोग, मुझे भी सपोर्ट करो और मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूँगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अब मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बन गया पिक। तो यहाँ पर जो मैं बताने के लिए आज वीडियो बनाया था, तो बस यही 3 ट्रिक्स था आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।